Hi everyone, I'm back with new reaction video of गुलजार चन्नीवाला। इस गाने की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, मैंने इसके टीज़र पर भी रिएक्शन किया था। ये गाना कल रिलीज़ हुआ है एंड जैसे कि हम सब जानते हैं गुलजार चन्नीवाला अपने हर गाने में लिरिक्स, म्यूज़िक, मिक्स एंड मास्टरिंग खुद ही करते हैं। DOP इनके हमेशा होते हैं शिवा जांगड़ा, जो एडिट और DI भी करते हैं। इस गाने के प्रोड्यूसर हैं गणबीर सिंह सिद्धू एंड मनमोह सिद्धू। So without wasting any time, let us start the reaction, Kaala Chela. Oh yaar bande khane baitha laad sa zubara mein kabutna ka jada ek rakha thoda se यो काला चेला मारे झपटा के गाल में पड़ोसिया की मार जैसे डाग खोला रे गेर बैरिया न मुद्दा फैमिली का सुदाई के टांड पधरी जी श्वास बजेगी मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए तना मुझा तो ज्यादा लाश बजेगी रा मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए मुझा तो ज्यादा लाश पा जाएगी दिस द वे इन्होंने इमिटेट किया ना म्यूजिक को से गुलजार चन्नीवाला ने। दैट वाज सुपर क्यूट। मतलब इतना एटीट्यूड वाला गाना है जिसमें वो अपनी फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको बचाने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और उसमें बीच में जब ये गाना गा रहे हैं मुझे हु क्या यार वो सुपर फनी एंड क्यूट मैन। दारे ठंडे राता पानी लाने वाली रे जे ठंड लागे डब्बी में ते खाले महल काले ने खड़ा के दारे ठंडे राता पानी लाने वाली रे जे ठंड लागे डब्बी में ते खाले महल काला मान लत्या ते नाया किए कुआं में ना जा किए लत्या ते नाया किए कुआं में ना जा किए खून की रयांदी तन्ने पास पा जागी मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए तन्ने मुझा तो ज्यादा लाश पा जागी रा मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए तन्ने मुझा तो ज्यादा लाश पा जागी बितर जो फील हो ऐसे दामू बा बोल दिया यारी लागा देख तन्ने सुन मेहर तोल दिया बितर जो फील हो सीधा मुँह बोल जा यारी लागा देख तन्ने सुन मेहर तोल दिया बैर भी तो नेट पे बोल लिए सींग ना फसाइए भाई रे बाटे पांतियां में काट दे करांतियां दे निरेश कसाइए भाई रे आला रखा खुली दौरा पाकिस्तानी बुल्ली थोड़ा ध्यान तारा ये बाढ़ मास खा जाएगी मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए तन्ना मुझा तो ज्यादा लाश पा जाएगी रा मारे तुड़ी आले कोठे बेटा जाके देखिए तन्ना मुझा तो ज्यादा लाश पा जाएगी क्यों है बाबू जे तेरा गाड़ी नहीं है बंगला नहीं है सोरा तो है ना आप कमा दी मैं टेंशन ना ले। जय हरियाणा। ओके वेल काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये गाना। हालांकि यू नो जो लव सॉन्ग्स होते हैं ना गुलजार चन्नीवाला के जिसमें बहुत फनी फील होता है, एक एटीट्यूड भी होता है उनका, क्यूटनेस भी होती है, फ़नी फील होता है, वो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं गाने। ये गाना भी काफ़ी अच्छा है डेफिनेटली। इसमें पॉजिटिव साइड दिखाई है ऑफ अ फार्मर, ये फार्मिंग करते हैं दिखाया है एंड उस जहाँ भी कहीं लाइक यू नो जो फार्मर्स होते हैं मे बी समटाइम्स जो छोटे फार्मर्स होते होंगे या किसी भी जगह जैसे गाँव में अगर कोई रहता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो बहुत गलत होते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपकी फैमिली को परेशान करते हैं। तो इसमें ये दिखाया है कि यू नो ये मेरे कपड़ों पे मत जाओ, मतलब जितने मुझे लिरिक्स समझ आए वो आपसे डिस्कस कर रही हूँ। कुछ लिरिक्स है कि मेरे कपड़े लत्ते पे मत जाओ, यू नो अगर मेरी फैमिली के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. एंड आई थिंक काला चेला मतलब काली बंदूक है इसमें, इसका मतलब. और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा. एंड एक पॉजिटिव कैरेक्टर ये दिखाया कि जो इनका छोटा भाई दिखाया है, उसको जब वो मारपीट कर रहा है तो जिससे मारपीट हो रही है उसको उन्होंने डांटा, उसको भगाया, उसको बचाया अपने भाई को उस समय, लेकिन अपने भाई को भी मारा. तो ये मुझे काफ़ी पॉजिटिव एंगल लगा इन द स्टोरी कि ये अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उससे पहले ही जाके उसको उन्होंने काइंड ऑफ सबक सिखा दिया, मार दिया. बट अपने भाई को वो सही सीख ये दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में मत पड़ो. अपने भाई को भी मार रहे हैं कि बिना मतलब की लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, यू नो, जिस जब रिक्वायर्ड नहीं है अननेसेसरी झगड़े में पड़ना इज़ नॉट राइट. तो ये कन्वे हो रहा है गाने से. अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम गाने को किस नज़र से देख रहे हैं. हम एक हर पॉइंट को देख रहे हैं यहाँ, फिर हम सिर्फ उनका एटीट्यूड और सिर्फ वायलेंस को देख रहे हैं. तो जो वायलेंस इस गाने में दिखाई है कि उन्होंने मारा किसी को जाके, लेकिन क्यों मारा और वो अपनी फैमिली में क्या सिखा रहे हैं अपने छोटे भाई को, पूरे होलिस्टिकली गाने को देखना चाहिए रादर देन पिकिंग अप कि अपने पसंद की चीज़ बस उठा ली या यू नो फिर उसके बाद हम कहते हैं अरे गानों में वायलेंस जो होती है या कुछ है. अगर आप लिरिक्स को देखेंगे, आप पूरी पिक्चराइजेशन को देखेंगे, तो उस एंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको इनका जो रोल है, कैरेक्टर का जो रोल है, वो पॉजिटिव ही लगेगा. डेफिनेटली मुझे किसी को भी वायलेंस पसंद नहीं होती है, तो दूसरे गाने ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं मुझे पर्सनली. बट गुलजार चनीवाला के किसी भी गाने में सिर्फ एटीट्यूड हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. बीच बीच में जो वो लाइंस गा रहे हैं जिसमें स्टोरी लाइन से हट के, यू नो, जो दूसरा शॉट है जिसमें वो अपनी एक रॉ से सेटअप में उनकी एक तो महाराजा टाइप सी कुर्सी रखी है, उसके ऊपर बैठ के वो गा रहे हैं, तो जिस एटीट्यूड से गा रहे हैं. और बीच में मैंने स्टॉप करके भी बोला था कि एकदम से तना ना 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 वो ऐसे करके इमिटेट कर रहे थे म्यूज़िक को इन अ फनी वे. तो उसमें उनकी क्यूटनेस, उनकी पर्सनालिटी में एक वो है, तो वो चाहे जितना भी एटीट्यूड वाला है, वायलेंस वाला गाना हो, वो क्यूटनेस नज़र आ ही जाती है. तो आई रियली लव दैट थिंग इन गुलजार चनीवाला कि वो बचपना हमेशा दिख जाता है उस एटीट्यूड के साथ. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग यू नो पर्सनालिटी स्ट्रीक इन गुलजार चनीवाला विच आई रियली लव. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे गाना. थैंक्स फॉर रिक्वेस्टिंग मी टू डू दिस सॉन्ग. एंड अगर आपको रिएक्शन पसंद आया हो तो डू सपोर्ट माई चैनल बाई सब्सक्राइबिंग एंड हिटिंग दी बेल नोटिफिकेशन. बेल नोटिफिकेशन हिट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Thank you so much and I'll see you very soon with many more reactions. Bye-bye.